Hello traders, welcome to Aliceblue. मैं हूँ डिफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इसका पिवट पॉइंट मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज. सो ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी चार्ट 4 आवर चार्ट है ये और बैंक निफ्टी का आज का पिवट पॉइंट 25174.4 फर्स्ट रेजिस्टेंट 25628.94 एंड सेकंड रेजिस्टेंट 25865 and third resistant 26319 and the first support 24938 second support 24483 and the third support 24247. तो ये आप देख सकते हैं डेली चार्ट बैंक निफ्टी. तो पहले जैसे मैंने ये आपको सपोर्टिंग लाइन दिया था एक तो एक तो ऑलमोस्ट वहाँ तक प्रीवियस डे आया था तो उसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया. तो आज देख सकते हैं मार्केट अभी ओपन हुआ है 25240 में. तो यहाँ से थोड़ा बहुत डेली थोड़ा बहुत कॉन्फर्मेशन दे रहा है थोड़ा इंडिकेट मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है. जैसा ये पहले ये जो 26094 ये जो रेजिस्टेंस लाइन तो यहाँ से करेक्शन थोड़ा बहुत देना चाहिए बट अभी भी कोई कंफर्मेशन मिला नहीं. तो अगर हम 4 आवर चार्ट में देखेंगे तो 4 आवर चार्ट में एक रेंज में मार्केट अभी चल रहा है. तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी मार्केट एक रेंज में चल रहा है. जैसे ये आप रेंज देख सकते हैं इस रेंज में अभी मार्केट चल रहा है. तो इसमें अगर हमने एक अपर लाइन ड्रॉ किया तो एक ये रेंज है राइट रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे. तो मैंने थोड़ा 1 आवर छोटा टाइम फ्रेम में देखता हूँ. तो अभी देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का मार्केट रेंज है. तो आपको ट्रेड करना है तो इसका अंदर ही ट्रेड करना चाहिए जो मैंने दिया ये रेंज तो इसका रेंज में ही आपको ट्रेड करना चाहिए रहेगा आज. तो मैंने अगर 30 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये है मार्केट रेंज. तो अगर इसको 4 आवर कर देता मैं थोड़ा छोटा कर देता और 15 मिनट में आप देखेंगे तो एक्चुअली इसका रेंज ये है ये रेंज में है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं 215 मूविंग एवरेज ने 200 ने एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ सकता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मैंने ड्रॉ किया ये मार्केट फुल्ली ट्रैपिंग हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ देख सकता है ये 100 मूविंग एवरेज और अपर एक इसको रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया. तो यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेकआउट सपोर्ट हो रहा है और अपर 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है यहाँ पे. तो आपको अगर ट्रेड करना है तो इसका ऊपर में ट्रेड करना चाहिए जिसे 200 और ये रेंजेस को अगर ब्रेकआउट कर दिया वहाँ से आप बाय शुरू कर सकता है अप टू 2694 या 26,000 तक आप बाय ले सकता है. और अगर इसको तोड़ के नीचे आ गया जैसे ये जो सपोर्टिंग लाइन बना के रखा हुआ है यहाँ पे अगर तोड़ के फिर से नीचे आ गया तो मुझे लगता है यहाँ पे अराउंड आपको मार्केट 24753 यहाँ तक आ सकता है. क्योंकि आप देख सकते हैं ये लोअर पॉइंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टाइम अटेम्प्ट किया है तोड़ने के लिए. तो इधर भी आके फिर से ये बाउंस हो सकता है तो यहाँ आप बुक कर सकता है प्रॉफिट. ठीक है अगर 5 मिनट में आपको और छोटा टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये 5 मिनट तो यहाँ से नीचे आप सेल शुरू कर सकते हैं यहाँ का. तो क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में यह रेजिस्टेंस बना के रखा जहाँ 15 मिनट में 100 ने बना के रखा हुआ है. ठीक है सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.